फ्रेंड्स हैप्पी मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी साथियों को। आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाहारी ईयर सेंटर में हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स आज हम दो ऐसी रेमडी के ऊपर बात करेंगे जो निश्चित तौर पर बहुत ही इफेक्टिव रेमडी है। फ्रेंड्स हमने अपने प्रैक्टिस में इनके बहुत बेहतरीन रिजल्ट देखे हैं। फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि न्यूक्लियर अटैक होने के बाद जो उसके रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं वो पूरे वातावरण में फैल जाते हैं, जल स्रोतों में फैल जाते हैं, खाद्य पदार्थों में फैल जाते हैं। उसके बाद जैसे लिविंग सेल्स उनको यूज करना शुरू करते हैं तो उनको वो नष्ट करना शुरू कर देते हैं और संपूर्ण लिविंग सेल्स को ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। यानी कि वहाँ पर पूरी तरीके से बंजर हो जाता है, वहाँ पर कुछ भी नहीं रह जाता। वो चाहे एनिमल किंगडम हो या प्लांट किंगडम हो, सबको ये नष्ट कर देते हैं, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इतने खतरनाक ये रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं। फ्रेंड्स इसका उदाहरण फ्रेंड्स आप देख ही रहे हैं कि आए दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी देश के साथ युद्ध किसी न किसी देश का चलता रहता है। अभी रूस का यूक्रेन का चल रहा है फ्रेंड्स, जिसमें कई प्रकार के हथियारों को यूज किया जा रहा है, कई प्रकार के बम को, है ना, जो भी लड़ाकू सामग्रियां हैं उनको, वेपन्स को यूज किया जा रहा है। फ्रेंड्स तो निश्चित तौर पर फ्रेंड्स ये बहुत ही घातक होता है। हम आप यही अपील कर सकते हैं कि दुनिया में शांति हो, सब कोई अच्छे से रहें, सब कोई हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें और एक दूसरे का सहयोग करें। लेकिन कई बार हम लोगों की चाहत नहीं हो पाती जो हम लोग चाहते हैं, जिसको ऐसा कर सकते हैं जो प्रकृति को मंजूर होता है वही हो पाता है। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि अगर इनका अटैक हो जाता है और ऐसी समस्या के लिए एक्चुअल में इसकी कोई दवा नहीं है। फ्रेंड्स अगर ये अटैक हो जाता है तो वहाँ पे सब कुछ नष्ट होना स्वाभाविक है। इसके बावजूद भी फ्रेंड्स CDC यानी कि सेंट्रल डिसीज फॉर कंट्रोल ने एक रेमडी को रिकमेंड किया है। उस रेमडी को हम आपके साथ शेयर करेंगे कि वो किस तरीके से काम करती है नहीं करती है। फ्रेंड्स तो उसके पहले आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फ्रेंड्स बेल आइकन ऑन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, लाइक कीजिएगा जिससे लोगों को सही जानकारी हो और निश्चित तौर पे इस रेमडी को यूज करके CDC के अनुसार अपने आप को कुछ हद तक बचाया जा सकता है। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको आप जानते ही हैं कि न्यूक्लियर अटैक के बाद जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं पूरे हवा पानी खाद्य सामग्री, है ना, हर जगह ये फैल जाते हैं। और जैसे प्राणी सांस लेना शुरू करता है तो ये रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स जो कि अति सूक्ष्म होते हैं जिनको देखा नहीं जा सकता, ये इन चीज़ों में मिक्स हो जाते हैं। और उसके बाद जैसे हम कोई चीज़ खाते हैं तो भी अंदर चला जाता है, पानी पीते हैं उसके साथ भी जाता है, और हम सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स ये हम सांस जब लेते हैं उसके माध्यम से हमारे शरीर के अंदर ये पहुँच जाता है। फ्रेंड्स क्योंकि हम तो सांस तो लेते ही रहते हैं, बार बार लेते रहते हैं, खाना पानी तो ठीक है हम कुछ देर बाद लेते हैं, लेकिन श्वसन एक ऐसी चीज़ है कि उसके बिना हम नहीं रह सकते। फ्रेंड्स तो जैसे हम सांस लेते हैं तो ये जो पार्टिकल्स हैं हवा के साथ मिलके हमारे लंग्स में जाते हैं और ये संपूर्ण शरीर को क्षतिग्रस्त करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इसका अगर इफेक्ट पड़ता है फ्रेंड्स तो हमारे थायराइड ग्लैंड और लंग्स के ऊपर पड़ता है, और ये लंग्स को थायराइड ग्लैंड को पूरी तरीके से नष्ट कर देते हैं और प्राणी जब सांस नहीं ले पाएगा उसकी मृत्यु तो हो ही जाएगी। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स निश्चित तौर पर ये बहुत ही घातक हैं और इसके साथ फ्रेंड्स ये हमारे पूरे DNA को चेंज कर देता है, यानी कि जो हमारे जेनेटिक्स मटेरियल हैं उसके ऊपर भी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जीन्स को बदल देता है। फ्रेंड्स इसके कई उदाहरण आपने देखा ही होगा। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका एक जीता जागता उदाहरण है जापान के दो महानगर हिरोशिमा नागासाकी, जहाँ पे अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। फ्रेंड्स 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, वहाँ सब कुछ नष्ट हो गया था, पेड़ पौधे तक वहाँ नहीं बचे थे। फ्रेंड्स वहाँ आज भी ऐसा कहा जाता है कि लूले लंगड़े बच्चे पैदा होते हैं, यानी कि विकलांग बच्चे पैदा होते हैं। इसका इतना ज़्यादा असर पड़ा क्योंकि जो वहाँ के लोग हैं उनके पूरे DNA में इसका असर हो गया, और उसका असर आज भी जो वहाँ बच्चे पैदा होते हैं देखने को मिलता है। फ्रेंड्स यानी बहुत ही घातक होता है। तो हम आप कल्पना करें, उम्मीद करें, प्रार्थना करें कि कभी भी ना हो, मानवता जीवित रहे, सब कोई स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। लेकिन इसके बावजूद भी फ्रेंड्स मैं आपसे बात करूंगा कि इसके लिए फ्रेंड्स जैसा कि अपन ने बताया कि इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, कोई भी दवा नहीं है, क्योंकि जब पूरा वातावरण ही नष्ट हो जाता है तो कैसे फ्रेंड्स ट्रीटमेंट हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स अभी जो CDC है उन्होंने
काली आयोडेटम, काली आयोडेटम, काली का मतलब होता है पोटेशियम, आयोडेटम का मतलब होता है आयोडीन फ्रेंड्स, उससे बनी दवा जिसको अपन पोटेशियम आयोडीन कहते हैं फ्रेंड्स, या कि आयोडाइड कहते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही यूनिक दवा है। निश्चित तौर पे हम लोग अपने प्रैक्टिस में इसको देते हैं, कई केसेस में देते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, तो आप उसको देख लीजिएगा। हम इसके डिटेल के ऊपर बात नहीं करेंगे, उसके माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी। लेकिन उसके अनुसार इसको दिया जाता है फ्रेंड्स, ये काली आयोडेटम है, इसका 30 पोटेंसी, अलग अलग जगहों पर इसका टैबलेट कैप्सूल भी मिल सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन हम लोगों की थेरेपी में काली आयोडेटम यानी कि पोटेशियम आयोडीन की ये टिंक्चर आता है, जो कि बहुत ही अच्छा ये कार्य करता है फ्रेंड्स। तो इसकी 30 पोटेंसी या कि 6 CH या कि 30 CH है ना दे सकते हैं, जैसा भी पेशेंट की स्थित हो। तो इसके बारे में फ्रेंड्स हम आपको बताना चाहते हैं कि इतना ज़्यादा इसकी खींच हुई है इस रेमेडी की, इस दवा की, कि जो रेमेडी 6 महीने या कि 1 साल में सेल होती थी वो 3 से 6 दिन के अंदर अंदर सेल हो गई हैं, और बहुत ज़्यादा इसकी मांग हो रही है, क्योंकि रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स को ये हद तक रोक देती है, ये हमारे थायराइड ग्लैंड और हमारे लंग्स को ये बचाती है, ये म्यूकस मेम्ब्रान के ऊपर काम करती है, ऐसे पार्टिकल्स को ये म्यूकस मेम्ब्रान के अंदर चिपका देती है और धीरे से वो आपके शरीर उसको बाहर कर देती है, एग्जिट कर देती है, इस तरीके से काम करती है। तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट रहा है, जॉइंट के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है, और कई केसेस के ऊपर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। इसको देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगली रेमडी है जिंको बायलोबा, इसके बारे में आप जानते हैं फ्रेंड्स कि जिंको बायलोबा के ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप इसको जरूर देख लीजिएगा फ्रेंड्स। ऐसा कहा जाता है कि हिरोशिमा नागासाकी पे जब परमाणु बम गिरा था तो वहाँ पर सब कुछ नष्ट हो गया था, लेकिन जिंको बायलोबा नामक एक ऐसा पौधा था जिस या कि वृक्ष कह सकते हैं फ्रेंड्स, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी रेडियो एक्टिव जो पार्टिकल्स उसका इफेक्ट नहीं पड़ा, और ये अपने आप को सुरक्षित बचा के रखा था। तो अगर इसको दिया जाए तो रेडिएशन से बचाव करता है, अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं उससे बचाव करता है, और इसके साथ साथ जो हार्मफुल पार्टिकल्स हैं उससे भी हमारे बचाव करता है। ये माइंड और बॉडी कोऑर्डिनेटर के नाम से रेमडी जानी जाती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लोगों तक जरूर पहुँचाइएगा। हम मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।